दोस्तों हम लोग लोकी के सीजन 1 का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक मार्वल ने हम सबको एक सरप्राइज दिया। उन्होंने एक ऐसा स्पेशल वीडियो रिलीज किया जो कि फैंस हमेशा याद रखेंगे। यानी दोस्तों उन्होंने पूरी मूवी की लिस्ट निकाल दी कि कौन सी मूवी कब आने वाली है, और साथ ही उसी में हम लोग को इटर्नस का पहला ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी दिखा दिया, यानी कि इटर्नस कैसे दिखते हैं और आगे क्या होने वाला है। जैसे कि पहले ब्लैक पैंथर 2 था, लेकिन अब चेंज होके हो गया है ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। उसी तरह कैप्टन मार्वल 2 भी चेंज होके हो गया है द मार्वल्स। यानी दोस्तों आगे इनकी स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इटर्नस के ट्रेलर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पर सबसे अच्छी बात हम लोग को ये लगी कि ऑफिशियल मार्वल स्टूडियोज़ के चैनल ने फैन रिएक्शन को भी दिखाया कि एवेंजर्स एंड गेम में वो एपिक मोमेंट कौन से थे और फैंस ने उसे कैसे रिएक्ट दिया। लेकिन यहाँ पे स्टैनली का नरेशन ऑडियंस को काफ़ी इमोशनल भी करता है। यहाँ पे इटर्नस के अलावा कुछ और मूवीज़ के नए सीन दिखाए गए हैं, जैसे कि ब्लैक विडो के और यहाँ पे शांगची के भी। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ब्लैक विडो की, तो ये आ रही है 9 जुलाई को। अब ये ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है, लेकिन दोस्तों ये 2 प्लेटफॉर्म पर आएगी, या तो आप थिएटर्स में देख लीजिए या फिर डिज्नी प्लस के ऐप पर। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से अभी जो करंट सिचुएशन चल रही हम लोग की कंट्री में, अभी मुझे नहीं लग रहा कि सब सिनेमा हॉल खुलेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ ऑडियंस इसे डिज्नी प्लस ऐप पे देखना पसंद करेगी। वैसे आप अपना डिसीजन बता दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली मूवी की, तो वो है शांगची, जो कि आ रही है 3 सितंबर को। हो सकता है तब सिचुएशन सुधर जाए और हम लोग को ये मूवी थिएटर्स में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम बाद मार्वल स्टूडियोज़ इन सब मूवी की रिलीज डेट निकाला है। यानी उनके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही होगी, उन लोग को भी लग रहा होगा अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, इसलिए अब यहाँ पे मूवीज़ को थिएटर्स में आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही शांगची ख़त्म होगी, उसके बाद हम लोग को कुछ महीने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सीधे 5 नवंबर को हम लोग को दिखाई जाएगी इटर्नस, और यहाँ पे ऑडियंस इसका पहला टीजर ट्रेलर देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गई है, बहुत कुछ जानना भी चाहती है, जैसे कि इटर्नस कौन है और वो अगर सुपर हीरो हैं तो एवेंजर्स एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर के समय वो लोग एवेंजर्स की क्यों नहीं हेल्प किए और उनकी सुपर पावर्स क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस टीज़र ट्रेलर में ज़्यादा कुछ नहीं रिवील हुआ है, बस इटर्नस की पहली झलक दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पे एक थेना का ऑफिशियल लुक देखने को मिला है, उसके बाद हम लोग को सर्सी देखने को मिली है, और यहाँ पे एक्रिस भी देखने को मिला है, और बाकी इटर्नस भी। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि 2 सिनेरियो है, यानी इस मूवी में आधा सीन जो होगा वो पास्ट का होगा, जो कि है प्री हिस्टोरिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट सीन दिखाया जाएगा, जो कि है करंट सिचुएशन। अगर हम लोग दोस्तों इसके प्लॉट की बात करें, तो कहने को ये आ रहा है कि यहाँ पे इटर्नस जब पास्ट में थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स भूल गए थे। इसी वजह से जब यहाँ पे लोकी का इन्वेजन हुआ, या फिर हम लोग थेनोस की बात करें, वो लोग एवेंजर्स की हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझ रहे थे। लेकिन बाद में जाके जब स्नैप ख़त्म हुआ, 5 ईयर्स का टाइम गैप आया, उनके साथ ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उन्हें अपनी पावर्स याद आ गई, ये सब हो सकता है मूवी में रिवील होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे केविन फेगी की, तो उन्होंने कहा है कि जो इटर्नस का जो लीडर है वो सर्सी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों सर्सी लोगों के माइंड को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकती है और अपने आसपास की चीज़ों को भी चेंज कर सकती है, तो मेरे हिसाब से वही पहली इटर्नल होगी जिसे अपनी पावर्स याद आएगी और वो बाकी इटर्नस की हेल्प करेगी उनको अपनी पावर्स को याद दिलाने में। दोस्तों ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सामने आएगा। और अगर हम लोग बात करें पुराने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो हम लोग को हो सकता है कि ओडिन की भी झलक दिखाई दे और इन्फिनिटी स्टोन्स की और डिटेल में हिस्ट्री पता चले और थेनोस का एक्चुअल ओरिजिन भी पता चले। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में हम लोग को यंग थेनोस भी देखने को मिल सकता है और थेनोस का भाई भी सामने आएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट अगले महीने हम लोग को दिखाई देगी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि है 17 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही टाइटल शो अप हुआ मुझे लगा कि इसका भी कोई पहला लुक देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अभी नहीं, मतलब हम लोग को कुछ टाइम और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इटर्नस का टीज़र एक बात तो साबित करता है कि जो मेन ट्रेलर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यानी वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे इटर्नस का ट्रेलर हम लोग को दिखाया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग को मेन अगली मूवी स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियल लुक देखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि यहाँ पे मल्टीवर्स कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन के बाद सीधे अगली मूवी जो आ रही है
वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये कनेक्टेड है वांडा विजन से भी, स्पाइडरमैन से भी, और आगे जाके लोकी की टीवी सीरीज भी इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं इसके रिलीज डेट की बात करूँ तो ये मूवी आ रही है 25 मार्च 2022 को। और यहाँ पे दोस्तों अगली मूवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपकी फेवरेट थॉर लव एंड थंडर, जो कि आ रही है सीधे 6 मई को। अब यहाँ पर दोस्तों इस मूवी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है हम लोग को एक फीमेल वर्जन की थॉर भी देखने को मिली है, जो कि है जेन फॉस्टर। चलिए इतना तो हम लोग समझते हैं, लेकिन सरप्राइज तब लगा जब यहाँ पे वो म्योनर को वील्ड की थी। अब यहाँ पे ये मिस्ट्री तो तभी सॉल्व होगी जब हम लोग एक्चुअली में मूवी देखेंगे कि म्योनर कैसे वापस आता है। कहा तो ये जा रहा है कि लोकी की टीवी सीरीज इस मूवी से भी कनेक्टेड है की वजह से शायद म्योनर वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अगली मूवी की बात करें तो ऑडियंस को काफी इमोशनल कर देगी, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब ये मूवी आ रही है सीधे 8 जुलाई को। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में चैडविक सर को एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट भी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसकी स्टोरी की बात करें तो कहा यह जा रहा है इस मूवी में ब्लैक पैंथर की डेथ नेमर की वजह से हो जाती है, और शूरी वापस जाती है अटलांटिस में ताकि वो नेमर को ख़त्म कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वकांडा को वापस एक नया ब्लैक पैंथर चाहिए, तो अब देखना ये होगा कि अगली ब्लैक पैंथर शूरी बनती है या फिर कोई नया कैरेक्टर हम लोग के सामने आता है। इसके बाद अगर हम लोग अगली मूवी की बात करें तो उसका नाम है द मार्वल्स। अब ये असल में कैप्टन मार्वल 2 मूवी है। अब यहाँ पे टाइटल इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि इस मूवी में एक नहीं बल्कि 3 सुपर हीरो हम लोग को दिखाई देंगे। पहला तो मेन सुपर हीरो यानी कि कैरल डैनवर्स, उसके बाद मोनिका जो कि हम लोग को दिखाई दी थी वांडा विजन में, और उनके पास भी पावर्स आ गई है, उनका नाम है स्पेक्ट्रम। उसके बाद दोस्तों मिस मार्वल, यानी यहाँ पे हम लोग को एक साथ अलग अलग सुपर हीरो दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अगली मूवी की बात करें जो कि आएगी 2023 में, तो वो है एंटमैन क्वांटम मेनिया। अब यहाँ पे ये मूवी आ रही है 17 फरवरी को, और इसमें एंटमैन और वास्प दोनों होंगे, और इस मूवी का जो विलन है उसका नाम है कैंग द कॉन्करर, जो कि टाइमलाइन को रूल करता है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग अगली मूवी की बात करें तो वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, और ये आ रही है 5 मई 2023 को। इसके बाद जो आखिरी मूवी है जिसके बारे में मार्वल स्टूडियोज़ ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, वो है फैंटास्टिक 4। तो अब देखना ये है कि इस मूवी के लिए हम लोग को कास्टिंग कब देखने को मिलती है, क्योंकि अब इसी मूवी की वजह से हम लोग को दो टाइप के सुपर हीरो दिखाई देंगे। पहला तो गैलेक्टस, उसके बाद डॉक्टर डूम। और यहाँ पे अभी तो दोस्तों मार्वल स्टूडियोज ने सिर्फ मूवी की लिस्ट निकाली है, अभी टीवी सीरीज की लिस्ट आने वाली है, उसमें हम लोग ये पता चल जाएगा कि व्हाट इफ, हॉकआई, शी हल्क, मिस मार्वल, मून नाइट, बाकी सीरीज कब आने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मार्वल की नई मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कॉन्टेंट इन्जॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।